ऐसा क्यों होता है कि अब भी ये हवाएं उस रात की उस एक पल की याद दिलाती है। ये हवाएं क्यों एक तूफान बनकर मेरी जिंदगी में आई और मुझसे सब कुछ छीन कर ले गई। आज भी ये हवाएं जब छूकर गुजरती है तो उस एक पल की गर्माहट महसूस होती है। लगता है वो पल वापस लौट आया है। रानू की पग फेरू की रस्म है। मेरी शादी में तो ये रस्म नहीं हो पाई थी, लेकिन पग फेरू का मतलब है जब एक लड़की शादी के बाद पहली बार अपने घर वापस आती है अपने परिवार से मिलने। मॉम डैड तो नहीं रहे, लेकिन दी हमारे लिए आप ही हमारा परिवार है। पग फेरू की रस्म में एक लड़की एक आखिरी बार अपने घर वापस आती है, क्योंकि उसके बाद उसे अपना घर हमेशा के लिए छोड़ना पड़ता है। शादी एक बहुत बड़ा कदम है रानू, और जिंदगी में ये कदम उठाने से पहले एक लड़की आखिरी बार अपने परिवार से विदा लेने आती है। इट्स अ लास्ट गो बैक, और दी हमारे लिए आप ही सब कुछ हैं। जिंदगी भर साहिल तुम्हारी रक्षा करेगा, और मुझे पूरा विश्वास है वो एक बहुत अच्छा पति साबित होगा। दीदी, आपने मुझे कभी डरने नहीं दिया, हर डर से हिफाजत किया है आपने। लेकिन दीदी, जब आप रहती थी तो क्या मॉम आपकी हिफाजत करती थी? तुम जानती हो हमारी मामी दुनिया की सबसे अच्छी मामी थी। वो मुझे बहुत प्यारी कहानियां सुनाती थी। जब पहली बार मुझे डर लगा था
तब बारिश या बादल नहीं थे, अंधेरा था। क्योंकि अंधेरा ही रोशनी की खूबसूरती को बढ़ा देता है। सच कहूं, ये अंधेरा ही हमारे मन के सारे डर को छिपाने का मौका देता है। बताएं क्यों? और एक बात बताऊं, ये जो छोटी सी मोमबत्ती है ना, इसकी रोशनी कितनी अच्छी लग रही है। क्यों पता है? इस कमरे में अंधेरा है। इस दुनिया में हर अंधेरे में एक सुबह होती है और हर सुबह एक अंधेरे की तरफ बढ़ती है। इसलिए अंधेरे से कभी डरना नहीं पानी। जिंदगी में कुछ भी गलत हो और शायद तब मैं तुम्हारे साथ ना भी रहूं, तो आज जो मैंने तुम्हें बात बताई है वो तुम भी याद रखना और पिया और रानू को भी बता देना। मॉम प्लीज ऐसे मत कहो। ये क्या सोच रही थी मैं? एक पल के लिए मैं भूल गई थी ये हवाएं और वो रात सिर्फ उस पल का ही वास्ता नहीं है मिस्टर वालिया से, जो अंधेरा उन्होंने मेरे परिवार को दिया है मैं उसे कभी नहीं भूल सकती। मैं कभी नहीं भूल सकती उन्होंने मेरी बहनों का बचपन छीना है, हमारी मम्मी का प्यार छीना है, मेरे पापा से उनकी जिंदगी छीनी है। मिस्टर वालिया मैं ये कभी नहीं भूल सकती। मैंने अपने पापा के दुख देखे हैं। उनकी जिंदगी में मॉम के बाद कभी खुशियां लौट कर नहीं आई। ये हवाएं और ये रात मुझे आपकी याद दिलाती है, पर उस रात में वो अंधेरा भी है जो मुझे इस अंधेरे की याद दिलाता है। वो अंधेरा जिसने मेरे परिवार की जिंदगी में अंधेरा लिख दिया। अगर एक रात आपसे जुड़ी है तो एक रात उस बात से भी जुड़ी है जिस रात मेरी मम्मी ने दम तोड़ा। अगर ये बारिश उस प्यार का संदेशा लाती है जो आप मेरी जिंदगी में बनकर आए, तो उस नफरत का भी संदेशा लाती है जो मेरी उस इंसान के लिए है जिसने मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया। जिंदगी के किस मोड़ पर और क्यों मुझे लाखड़ा किया है मुझे नहीं पता, पर जिस इंसान से मुझे सबसे ज्यादा नफरत है उसी इंसान से मुझे सबसे ज्यादा प्यार भी है। मॉम, ये अचानक मामा जी ने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया? बेटा ये तो मैं खुद नहीं जानती, लेकिन जरूर कोई इम्पोर्टेंट बात होगी, वरना जय भैया इस तरह से सबको बुलाते हैं। मामा
क्या है जय? डॉक्टर ने तुम्हें कंप्लीट ब्लड रिस्क नहीं कहा है, तुम ये फाइल के पेपर जाएगा ना तुम्हारा? मैं अपने आराम से जाऊंगा। रणवीर, ये हमारे सारे नए प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें मैंने काफी काम किया है। नाइट मोटी आप फिक्र मत कीजिए मामा, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं। साहिब, तुम हमारे दो छोटे होटल्स को हैंडल करो। मामा जी, मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूंगा। एक और बात, हमारे जो नए कैफेज लॉन्च हो रहे हैं, मैं चाहता हूं कि राणा उन्हें सुपरवाइज करें। जैसे आपकी मर्जी मामा जी, मैं राणा को बता दूंगा। जय भैया, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि इतने बड़े काम की जिम्मेदारी आप राणा पर कैसे डाल सकते हैं? लायक नहीं है। मैंने सोच समझ कर फैसला लिया है। कौन लायक है मैं जानता हूँ। राजी, अब तुम बताओ तुम क्या करना चाहते हो? मेरे बिजनेस में तुम्हारा भी उतना ही हक है जितना रणवीर है। मामा जी, मैं घर पर ही ठीक हूँ। जैसे तुम्हारी माँ और आदित्य मेरा दोस्त मेरे साथ। मैं कुछ देर दीदी से मिलने आई और तुम मुझे ऑलरेडी मिस कर रहे हो। मैं क्या करूँ रानू, मैं तुम्हें मिस ना करूँ अब ये मेरे बस में नहीं है। दीदी जय अंकल के बारे में पूछ रही थी। मामा जी, वो तो यहीं पे। साहिल, जरा उनको फोन देना। ओके। मामा जी, राणा आपसे कुछ कहना चाहती है। राणा मुझसे क्या बात करना चाहती है? और साहिल मुझसे क्या बात करना चाहता है? मुझे क्या पता। हेलो। बानी, फोन मत कर। आपको कैसे पता चला? फोन किस तरफ मैं हूँ? मैं फोन रखने वाली। उसी तरह जैसे तुम्हें मेरी आवाज सुनकर ही पता चला कि मैं बोल रहा हूँ। बानी, पिछले कुछ महीनों में हम दोनों एक दूसरे के पास्ट के बारे में शायद ज्यादा नहीं जान चुके, लेकिन एक दूसरे की खामोशी का एहसास तो हो गया है। पानी, इस घर की हर चीज को तुम्हारी याद आती है। इस घर की दीवारें जिनमें तुम्हारा एहसास कैद, मेरा वो पेन जो हर सुबह तुम मुझे देती थी, वो चाय जो शक्कर के दो चम्मच साथ तुम मेरे लिए बनाती थी, मेरी दवाइयां जो तुम कभी नहीं भूली, और इस घर का हर इंसान सब तुम्हारी वापसी का इंतजार कर रहा है। भाई, मामा जी क्या कहा मामी जी ने? एक बार फिर से उसकी खामोशी उसकी हर बात कह गई। अब तो आदत सी है मुझको। दीदी, आपने उनसे बात क्यों नहीं की? दीदी, मॉम के बारे में सोचिए। मॉम तीनों को दुल्हन के रूप में देखना चाहती है। अगर उन्होंने आपकी शादी टूटते हुए देखा तो क्या उनके आत्मा को दुख नहीं पहुंचेगी? मैंने सिर्फ मॉम के बारे में ही सोचा। आप कहना चाहते मैं समझी नहीं। प्लीज सब कुछ मत कहो।
क्यों कुछ ना कहूँ, किस लिए? आपकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा है कि आप उनसे बहुत प्यार करती हैं। आपके चेहरे पे, आपके आंसुओं में, आपके हर एक विश में दिखाई देता है कि आप उनको बहुत चाहते हैं। जब भी मैं उनका नाम लेती हूँ, आप बेचैन हो जाते हैं। दीदी, आप मिस्टर वाले से बहुत प्यार करती हैं। कुछ चीजें होती है राधा, जिन्हें हम कभी नहीं बदल सकते। वो चीजें हमारे रहने तक कभी खत्म नहीं होती। वही प्यार हम क्या है और इस दुनिया में क्यों है, जिस तरह से हम अपने भाग्य को नहीं बदल सकते, उसी तरह हम अपने अतीत को भी नहीं बदल सकते। जो चीजें हो चुकी हैं, उन्हें बदला नहीं जा सकता और ना ही उन्हें माफ किया जा सकता। एक इंसान से धोखा खाने के बाद किसी के मन में उसके लिए हमदर्दी कैसे पैदा हो सकती है, जिसे जिंदगी एक तूफान की तरह रोंद कर फंसा जाए, उसके पास क्या बचता है जिंदगी के लिए? पानी दी को ना जिंदगी रास आई और ना ही मिस्टर वालिया। जानो क्यों दी उस इंसान के पास वापस जाने को कह रही है, जिस इंसान ने नशे की हालत में अपने होश और हवास खोकर मेरी ईगो बर्बाद कर दिया। जिस तकलीफ से गुजर रही है उसका एहसास किसी को नहीं। बिना किसी रिश्ते के मां बनने की शर्म कोई छोटी बात नहीं है। मिस्टर वालियर की नफरत और अपमान से निकलने के बाद मैं दी को कभी उस घर में वापस जाने के लिए मजबूर नहीं करूँ। मैं कभी दी पर वापस लौटने के लिए कोई दबाव नहीं डालूंगी। नेवर। माँ, मुझे आपसे बात करनी है। बोलो ना, क्या बात करनी है? माँ, मैं पूछ करके डिनर करनी चाहूँगा। मैं उस पिया को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, अपनी बाकी बहनों की तरह उसे बहुत नाटक करता हूँ। सच पूछो तो मेरा भी बिल्कुल दिल नहीं है। मैं तो जानते ही हूँ इन तीन घटिया बहनों से मेरा कितना लगाव है। उस डाइन मार्केट पिया के घर पे जाऊंगी फंक्शन के, मैं भी वहां नहीं जाऊंगी। नेवर। आपको जाना होगा। आप वहां जाने से कैसे इनकार कर सकती है मॉम? आपकी अपनी बहू के पग फेरों की रस्म है। अपनी बहू के लिए ना सही, अपने बेटे के लिए तो जा ही सकती है ना मॉम? सही कह रही हूँ बेटा, मेरा बेटा साहिल जा रहा है ना वहाँ पे, फिर मेरे ना जाने से क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, तो आप मत जाइए। आप मेरे रस्म के लिए जो भी तैयारी करेंगे उसमें मैं नहीं आऊंगी। अनु, अनु बेटा, ये क्या तरीका हुआ? ऐसा नहीं कहते दूसरों के लिए अपनों से इस तरह? मॉम, वानी मामी का परिवार दूसरों का परिवार नहीं है और रानो आपकी बहू है। ठीक है, उनके लिए नहीं अनु, तुम्हारे लिए जाऊंगी उनके फंक्शन में, चलेगा? थैंक्स मॉम। ये औरतें कभी वक्त पर रेडी हो ही नहीं सकती, इनकी वजह से फिर से लेट हो जाए। मामा जी, वो ये आप अपना फोन रूम में ही छोड़कर आ गए। ओह, थैंक यू राशि। नो सर। राशि,
तुम रेडी क्यों नहीं हुई अभी तक? वो मामा जी, मैं आप लोगों के साथ वहाँ पर नहीं आ रही। नहीं आ रहे? क्यों, क्या बात हो गई? एक्चुअली वो नहीं आ रहे हैं, कुछ काम में बिजी हैं, इसीलिए। यू मीन रणवीर नहीं आ रहा इसलिए? जी। राशि देखो, इन सब बातों की इस घर में अहमियत नहीं है, ये सब नहीं चलता है। रणवीर अगर काम में बिजी है, अगर वो नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम भी नहीं आ सकती। जाओ राशि। जी। मामा जी, एक मिनट। अरे रणवीर, मैंने सुना तुम पार्टी में नहीं आ रहे। एक्चुअली ऑफिस में एक अर्जेंट काम है, मुझे ऑफिस जाना होगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन फैमिली फंक्शन को अटेंड करना भी इम्पोर्टेंट होता है। एनीवे मैं जल्दी में हूँ। मामा जी, आपसे काम था। क्या काम है, जल्दी बताओ। इन पेपर्स पे आपके सिग्नेचर चाहिए। क्या पेपर्स? तो अगर आप जल्दी में हैं तो मैं नहीं, आई विल साइन इट। टेल मी द डिटेल्स लेटर। जी।